हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है लाइब्रेरी एक्टिविटीज़। सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो स्कूल लाइब्रेरीज़ में हैं, चाहे आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। लाइब्रेरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी, जैसे लाइब्रेरी में शेड्यूल होता है ना, हर एक क्लास का, हर एक सेक्शन का एक दिन डिसाइडेड होता है कि वो 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स का एक लेक्चर होता है, उतनी देर के लिए बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं। तो अब क्या हर बार वो बुक्स ही रीड करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो हर बार पढ़ते ही रहें। तो उनसे कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। अब लाइब्रेरी में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और किन क्लासेस के लिए करवा सकते हैं, ये उसी के लिए एक आइडिया है। तो सबसे पहले तो आप एक लाइब्रेरी नोटबुक बनवाएंगे, उसको आप एक्टिविटी बुक भी कह सकते हैं, जो कि लाइब्रेरी के लिए ही यूज़ होगी। ऐसा इसलिए ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि आपने कौन सी क्लास के कौन से सेक्शन में क्या क्या काम करवाया है। सबसे पहले होता है स्टोरी टेलिंग सेक्शन। ये बेसिक है, छोटे बच्चों के लिए होता है। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास से लेकर के और फिर हायर स्टैंडर्ड्स के बच्चे आ रहे हैं, तो फर्स्ट से लेकर के सिक्स तक आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग में आप खुद से कुछ कलरफुल इमेजिनेटिव बुक्स जो आती हैं छोटे बच्चों के लिए, जिसमें पिक्चर ज़्यादा होता है, स्टोरी कंटेंट कम होता है, इस तरीके की बुक्स यूज़ कर सकते हैं। साथ में कुछ प्रॉप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉप का मतलब कुछ कार्टून कैरेक्टर्स जो कि उस बुक से एसोसिएट होते हों, मिलते जुलते हों, उनका इस्तेमाल करें कहानी सुनाने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो कनेक्ट कर पाएँ। अब इसमें हर बार आप ही को कहानी नहीं सुनानी है। आप एक बार आपने सुनाई, फिर अगली बार अपने बच्चों को कहा कि आप कोई टॉपिक देंगे और उस पर वो कहानी सुनाएंगे, तो वो अपने आप से क्रिएटिव स्टोरीज भी तो बनाते हैं। तो आपने ग्रुप डिसाइड कर दिया, फिर वो प्रॉप वगैरह बना कर ले आएंगे और अपने आप से वो स्टोरी वगैरह वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। दूसरा, ऑडियो बुक्स का ऑप्शन है। यानी हर स्कूल में एक सेक्शन होता है जिसको हम कंप्यूटर लैब कहते हैं, तो वो एक जूनियर सेक्शन के लिए अलग होगा, सीनियर सेक्शन के लिए अलग होगा। अब वहाँ पे आप अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं कि किस दिन आप, मतलब कौन से पीरियड में और कौन सी क्लास को ले जा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप उनको वहाँ ले जाइए और वहाँ पर कुछ मॉरल स्टोरीज़ या इस तरह की कहानियाँ वगैरह दिखा सकते हैं। ऑडियो स्टोरी का मतलब है कि जैसे हेडफोन्स अवेलेबल होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो म्यूज़िक स्टोर्स होते हैं वहाँ पे हेडफोन रहते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, उनको जो गाना सुनना होता है वो प्लेलिस्ट में या सीडीज़ में उसको प्ले करके सुनते हैं। तो ऐसा आप अपने पास, अगर आपके पास सेटअप है तो ठीक है, नहीं है तो आप बना सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म छोटा सा बनाइए, उसके ऊपर कुछ सीडी का या छोटे डिवाइसेस ऐसे बनवा दीजिए जिसमें कोई चिप वगैरह लगी हो, जिससे बच्चे उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके सुन सकें। फिर इसी में ही एक और ऑप्शन है, जैसे आपने कैटलॉग कार्ड सुने होंगे, तो ऐसा एक छोटा कार्ड सिस्टम बनाइए, उसको उसमें ओवरलीफ करके रख दीजिए। जो भी कार्ड उसमें से वो पिक करेंगे, उससे रिलेटेड जो स्टोरी होगी वो उस बुक को पिक करके लाएंगे और फिर आपस में वो ग्रुप में बैठ के उस स्टोरी को रीड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। और बुक मार्क बनाना, ये सभी ने देखा होगा, अभी इमेज में भी आपने देखा होगा बहुत सारे बुक मार्क रखे हुए हैं, ये सभी बच्चे बहुत इजीली बना लेते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन आता है ओरिगैमी का, यानी छोटे छोटे जो कलर पेपर्स होते हैं उनको यूज़ करके अलग अलग तरह के बुक मार्क भी बनते हैं, वो आप खुद भी बहुत ईजिली यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल राइटिंग। जैसे कि आपके न्यूज़पेपर में एक एक कॉलम आता है, उसमें कुछ शॉर्ट शॉर्ट आर्टिकल्स लिखे रहते हैं, या मैगज़ीन में आर्टिकल का कॉलम होता है, उस तरीके से टॉपिक दे करके बच्चों को और उनसे फिर आर्टिकल्स लिखवाना। ज़्यादातर बच्चों को पता होता है फॉर्मेट आर्टिकल में क्या होता है, क्योंकि वो इंग्लिश में उनको सिखाया भी जाता है। फिर एक न्यूज़पेपर मेकिंग और मैगज़ीन, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, आप चाहें तो मैगज़ीन बनवा लें या आप चाहें तो न्यूज़पेपर बनवा लें। मतलब अगर वो मैगज़ीन बनाते हैं तो भी, और उसको न्यूज़पेपर बनाते हैं तो भी, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो स्कूल की आएगी, फॉर्मेट अलग होगा। अगर मैगज़ीन है तो छोटा, यानी कार्डबोर्ड साइज़ का बनेगा, एक उन्होंने चार्ट पेपर लिया उसको फोल्ड करके उसमें बना दिया, या अगर न्यूज़पेपर बनाएंगे तो बड़े साइज़ का चार्ट पेपर यूज़ करेंगे, उसमें कॉलम्स डिवाइड करके और इमेजेस को कट कॉपी पेस्ट करके हाईलाइट करके, इस तरीके से स्कूल में जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं उनके बारे में लिखना होता है। स्कूल का न्यूज़ लेटर है, कौन सा हाउस कंपटीशन हुआ, कोई एग्ज़ाम हुआ है हाफ ईयरली, एनुअली, कुछ भी, वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें लिखी जाती हैं विद द नेम ऑफ विनर, कि कौन जीता है, किसने कैसा पार्टिसिपेशन कैसा रहा, किसका प्रदर्शन कैसा रहा। और ये नेक्स्ट बुक एग्जीबिशन का जो ऑप्शन है, इसको देख करके डरना नहीं है। बुक एग्जीबिशन का मतलब हमेशा ग्रैंड लेवल पर करना नहीं होता, आप किसी एक स्पेसिफिक क्लास के लिए भी अपनी तरफ से प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी हर डेस्क में आप जाकर के बुक्स तो रखते ही हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, और उनके जाने के बाद समेटते भी हैं।
तो आपको बस उसका डिस्प्ले अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करना है ताकि बच्चों को कुछ अलग फील हो, और फिर वो वहाँ लाइब्रेरी में आए तो वो बुक्स खुद से पिक करें, उसको देखें, उसके बारे में डिस्कस करें, और वो बुक्स देनी है जो वो और रोज़ क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, कुछ अलग सी। उसके बाद नेक्स्ट है सुडोकू। न्यूज़पेपर आपके लाइब्रेरी में डेफिनेटली आता ही होगा, तो आपको जो पुराने न्यूज़पेपर रखे हुए हैं उसमें से कुछ कुछ इमेजेस देख लीजिए, चाहे तो आप जेरोक्स करवा सकते हैं या उसकी फ़ोटो ले करके आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं या बच्चों को डायरेक्टली न्यूज़पेपर दे सकते हैं। तो सुडोकू वाली जो पज़ल्स हैं वो उसको सॉल्व करना सीखेंगे, रिडल्स यानी पहेलियों की किताबें अलग से आती हैं, कुछ क्विज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने उनको बता दिया, क्या जीके का क्विज़ होगा तो जीके में कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हो सकता है, उसमें आपने क्विज़ ऑर्गेनाइज़ कर दिया। डिबेट यानी आपने ग्रुप्स बना दिए और उसमें से कोई एक लीडर डिसाइड कर दिया कि किस टॉपिक में प्रेजेंट करना है। पोएट्री रिसाइटेशन होता है, और राइटिंग कंपटीशन यानी आप चाहें तो आप उनको डिक्टेट कर सकते हैं या फिर आप कोई एक बुक दे सकते हैं कि आप इसको देख करके और लिखिए, जो जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी वो विनर होगा, या कुछ टॉपिक दे सकते हैं उस टॉपिक पे राइटिंग वर्क करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर जैसे मैंने अभी आपको न्यूज़पेपर वाला बताया, उसी तरीके से मैगज़ीन भी बनती है लेकिन छोटे साइज़ की होगी, और उसमें जानकारी सारी स्कूल की ही आएगी। आपने स्कूल के नाम से मैगज़ीन बनवा दी बच्चों से, और फिर जो उन्होंने अच्छा बनाया अब इसमें जितना भी वो काम कर रहे हैं, अगर आपके पास डिस्प्ले बोर्ड है तो डिस्प्ले बोर्ड में उसको ज़रूर लगाइए ताकि कुछ टाइम तक वहाँ पर रहे और बच्चे उसको देखें और दूसरे भी इनकरेज हों उनको देख करके। नेक्स्ट गार्डन विज़िट है, ये बहुत ही छोटे बच्चे जो फर्स्ट सेकेंड के होते हैं ये उनके लिए है कि उनको मूवमेंट पसंद होता है, हमेशा उनको लाइब्रेरी में ना बैठा के कभी आप गार्डन में ले गए, वहाँ पे आपने स्टोरी सेशन अपना कंडक्ट कर लिया, कभी आप कहीं लैब में ले गए उनको, इस तरीके से। क्राफ्ट मेकिंग यानी हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई मॉरल स्टोरी हो या इस तरीके का पढ़ाई लिखाई का ही काम हो, छोटे बच्चों से कभी कभी आउट ऑफ द वे जाकर सिर्फ कुछ कलर करवाना कोई टॉपिक दे करके, या कुछ ओरिगैमी उनको सिखा दिया, या कुछ वर्ड्स दिख दिए उनको, बोलो बोल्ड में बना के इसमें कलर कीजिए और फिर आपने मीनिंग बता दिया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ में की जाती हैं।